question about the algorithm. Today we are going to proceed with size expansion. Let's start from question number 4. Question number 4 में देखें, list all the factors of this number. नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन सारे नंबर्स के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ए में आपका है 18, तो यहाँ पर आपको 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आइए निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, 1 से। 1 का टेबल पढ़ने पर 18 का आंसर आएगा, 18 आएगा। इसका मतलब 1 भी है फैक्टर और 18 भी इसका फैक्टर है। अगर 2 का टेबल पढ़ा जाए तो 2 9 18, इसका मतलब क्या होगा, 2 भी इसका फैक्टर है और 9 भी इसका फैक्टर है। अगर 3 का टेबल पढ़ा जाए, 3 6 18, तो 3 भी इसका फैक्टर है और 6 भी इसका फैक्टर है। अगर 4 का टेबल पढ़ा जाए तो 4 के टेबल पर 18 नहीं आएगा। 5 का टेबल पढ़ा जाए तो 5 के टेबल पर भी 18 नहीं आएगा। अगला नंबर आपके सामने 6 है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 18 के टोटल कितने फैक्टर हो गए, 6 हो गए। याद रखिए किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है और लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर हो, जैसे 18 का 18 हो। ये रहा है 18 का फैक्टर। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी 13। हमें फैक्टर्स बताने हैं 13, फैक्टर्स ऑफ 13। तो 13 हम जानते हैं एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये केवल खुद के टेबल पर आएगा और किसी दूसरे नंबर के टेबल पर नहीं आएगा। 1 के टेबल पर कितने टाइम 13 टाइम्स में 13 आएगा। इसके केवल दो ही फैक्टर हैं, 1 है और 13, ठीक है। तो 13 में कितने फैक्टर हो जाएंगे, 2 फैक्टर, क्योंकि ये कैसा नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। क्वेश्चन नंबर एफ में हमारा 100 है। देखिए अगर चाह रहे हैं आपको तो ये साइड में लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आज फैक्टर्स ऑफ 100 देखते हैं। सबसे पहले 1 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 100 टाइम पढ़ने का संख्या आएगा, 100 आएगा, 1 फैक्टर है और 100 फैक्टर इसका। अब 2 के टेबल पर 100 आया तो नहीं, बिल्कुल 2 का टेबल कितने टाइम बनाएंगे, 50 टाइम बनाएंगे, कितना आ जाएगा 250 का 100 आएगा, 2 भी इसका फैक्टर है और 50 भी इसका फैक्टर है। तो 6 से 100 जो है डिवाइड
नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई नंबर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड नहीं होता है तो 6 से वो डिवाइड नहीं होगा। देख लेते हैं 6 × 6 = 4 = 6 इज द 36। देखिए 4 बच जा रहा है, इसका मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड करने के लिए तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, चेक करते हैं। 8 से चेक करने के लिए 8 × 10 = 88, 8 × 11 = 96। तो 8 × 12 = 96 का 12 × 96। 12 से भी पूरी तरीके से 100 डिवाइड नहीं हो रहा है, 12 से फैक्टर नहीं है। 8 × 9 = 12। 9 × 9 = 99, 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद अगला आपका है 10 × 100। तो एक ही के नंबर लिखेंगे, ये आपका अगला, तो ये आ गए 100 का फैक्टर। अब किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं ये आपके सामने, आपके सामने मेथड भी है, किस तरीके से चेक करेंगे यह है कि आप डिवाइड कर लेंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर होगा, नहीं हो रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। ये रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जे को देखते हैं। जे में हमारे सामने है क्या 63। अब हमें फाइंड आउट करना है 63 के बारे में, तो फैक्टर्स ऑफ 63। सबसे पहले हम जानते हैं 1 × 63 = 63। तो 1 तो फैक्टर होगा ही, 1 नहीं होगा और क्या होगा 63 भी आपका होगा। उसके बाद 2 के टेबल पर 63 नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पर क्या है 3 है। तो यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट अगर 1 2 से नहीं कट रहे तो पूरा नंबर 2 से नहीं कट पाएगा। 3 से आते हैं, 3 से डिवाइड कर तो चेक कर सकते हैं, 3 × 6 − 0 = 3, 3 × 3 इसका फैक्टर है, कितनी टाइम है 21 का, 3 × 21 = 63। तो 3 फैक्टर है और 21 भी। 4 से चेक करेंगे, 4 इसका फैक्टर कभी भी ऑड नंबर का, ऑड नंबर दिया हुआ है तो कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता। इसी तरीके से 5 से कटने के लिए या तो लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए या 0। 5 से नहीं होगा 6 × 6 = 66 से नहीं होगा 7 का टेबल पड़ेंगे 7 × 63। 7 भी फैक्टर है और 9। अब उसके बाद नंबर बचा 8 × 64 मिले, तो ये सारे इसके 63 के हमारे फैक्टर्स हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं एम 32। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 32, वही तरीका होगा। सबसे पहले 1 × 32 आएगा, 1 फैक्टर है, 32 भी फैक्टर है, 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 × 16 = 32, 2 भी फैक्टर है और 16 भी फैक्टर है इसका। 3 × 10 = 33 4 × 8 = 32 5 × 5 = 35 के टेबल पर नहीं आएगा, 6 के भी टेबल पर नहीं आएगा, 7 के टेबल पर नहीं आएगा, 8 आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये सब फैक्टर है।